गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने जैसे पढ़ चुका है अभी तक कि व्हाट इज़ द सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो वहाँ से हमें फार्मूला पता चल गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये उस फार्मूले का यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इस फार्मूले का यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो अगर ये फिगर हम देख रहे हैं जिसमें हमें बताना क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन बिलो फिगर। तो हमारे पास ये दो फिगर है, तो इसमें क्या करना है, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। तो सबसे पहले एक हो जाएंगे कि सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो चूँकि अगर यहाँ एक सेल का सब अरेंजमेंट किया जाए तो जो चार्ज फ्लो होगा दोनों में सेम फ्लो होगा, तो सेम चार्ज फ्लो होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इसका कितना सी इक्विवेलेंट होगा, तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा है। तो इसको सॉल्व करें अगर हम, यह हमें पता चल गया कैसा है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। हम यहाँ लिख देना चाहें सीरीज कॉम्बिनेशन में है, कभी कभी पैरेलल होगा या कभी दोनों भी हो सकता है। तो सोल्यूशन ये कितना होगा इनके भी सी इक्विवेलेंट, तो अगर हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करें सी इक्विवेलेंट, तो हमें पढ़े थे कि सी वन सी टू बाई सी वन प्लस सी टू। तो सी वन कितना है, वन, सी टू कितना है, टू, अपॉन वन प्लस टू, दैट इज कितना हो जाएगा, टू बाई थ्री माइक्रो फैरड। चूँकि फैरड यूनिट बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसलिए हम जनरली माइक्रो फैरड में ही वैल्यू यूज करते हैं। तो सी इक्विवेलेंट टू बाई थ्री माइक्रो फैरड आ गया, और हमने सी इक्विवेलेंट का डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई किया हुआ है कि दो कैपेसिटर है तो डायरेक्ट इस फार्मूले से कर लेंगे। इसी तरह हम एक दूसरा फिगर देखेंगे और उसमें सी इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। तो ये पूरा हो गया। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है बी। यहाँ भी हम फिगर से देख सकते हैं कि तीनों किसमें हैं, सीरीज में है, क्योंकि जो चार्ज फ्लो करेगा वो चेंज नहीं होगा, तो सीरीज कम्बिनेशन हो जाएगा। तो सीरीज कम्बिनेशन तो सी इक्विवेलेंट कितना होगा, तो इसको हमें फार्मूले सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें जो जनरल फार्मूला है उसी का यूज करके करना पड़ेगा। तो इसमें वन बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू, दो कैपेसिटर अगर हो तो, तीन होगा तो प्लस वन बाई सी थ्री भी कर देंगे। अब क्या है इनकी वैल्यू हमें दिया गया, मान लिया ये सी वन सी टू सी थ्री, तो कितना कितना लिखें, यहाँ लिख दे चाहे यहाँ पे कि ये सी वन है, ये सी टू है, ये सी थ्री है। तो सी वन की वैल्यू कितना है, वन हो गया, वन बाई वन, प्लस वन बाई सी टू की वैल्यू कितना है, वन ही है, प्लस सी थ्री की वैल्यू कितना है, वन ही है। तो कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करके इसको कर सकते हैं व्हाट विल बी द सी इक्विवेलेंट। तो अगर इसको सॉल्व करें हम तो कितना आएगा, ये इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर, तो कितना होगा, वन प्लस वन मतलब होगा ऊपर थ्री बाई वन, तो थ्री बाई वन, तो सी इक्विवेलेंट तब कितना आ जाएगा फाइनली, तो ये आ जाएगा हमारा सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ से निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो वन बाई थ्री माइक्रो फैरड। इस तरह से हमारा सी इक्विवेलेंट आएगा। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, इसमें भी ये पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन में था, तो ये इतना नोट कर लेंगे। और सी इक्विवेलेंट फार्मूला हमें पता होना चाहिए, सीरीज में और पैरेलल में क्या फार्मूला लगाते हैं। अब एक तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि ए और बी दो पॉइंट हैं और दोनों कैपेसिटर जो है इसमें ऐसे पैरेलल में जुड़े हैं। ये मान लिया सी वन वन माइक्रो फैरड है, सी टू थ्री माइक्रो फैरड है। तो पैरेलल क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि जो चार्ज यहाँ सप्लाई करेंगे हम बैटरी सेल कनेक्शन करके, वो डिवाइड होके जाएगा। तो डिवाइड होके जाएगा मतलब ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, तब पैरेलल कॉम्बिनेशन।
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो सी इक्विवेलेंट क्या होगा, यहाँ पे हमें फार्मूला पता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है सी इक्विवेलेंट, वन बाई करके नहीं रहता, ऊपर ही ऐड कर लेते हैं सी वन प्लस सी टू। तो सी वन कितना है, वन माइक्रो फैरड प्लस सी टू थ्री माइक्रो फैरड, तो कितना आ जाएगा फोर माइक्रो फैरड। इस तरह अगर दो कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो ये फार्मूला यूज होगा, उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारा हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये थर्ड पूरा हो गया। अब इसी तरह कुछ क्वेश्चन होते हैं सीरीज पैरेलल दोनों होते हैं, अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा कितना हो गया, वन टू फोर, ये फोर पॉइंट, तो इसमें भी ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। ये मान लीजिए हमारा फिगर है, इस तरह से कैपेसिटर कनेक्टेड है और ये वैल्यू हमारी है थ्री माइक्रो फैरड। अब यहाँ सी वन सी टू लिखने कोई काम नहीं है, इस तरह से आ गया। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट बताना है, तो करेंगे क्या, पहले सबसे पहले हम इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लें, फिर ये अरेंजमेंट और ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। अब हम ये नहीं करेंगे कि इसको इसके साथ सीरीज पैरेलल देखें, सिंपली हमें जहाँ दिख रहा है पैरेलल या सीरीज उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो पहले हम इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो मान लिया इसके रिजल्टेंट को हमने सी पी से डिनोट किया है, तो हियर सी पी दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट। तो सिंपली होता क्या, दोनों ऐड हो जाते हैं सी वन प्लस सी टू, तो ये कितना है वन और ये कितना है फोर, तो ये हो गया फाइव माइक्रो फैरड। अब फिगर भी रिड्यूस करते चल सकते हैं चाहे, या फिगर क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ये कैपेसिटर पहले से कितने का थ्री माइक्रो फैरड, और इन दोनों को सॉल्व करने पे अब एक कैपेसिटर बन गया और वो कितने का हो जाएगा फाइव माइक्रो फैरड। तो अब हमें क्या दिख रहा है, इस कम्बिनेशन को सॉल्व करने के बाद दोनों सीरीज में है। फिगर हम चाहे साथ साथ बनाएं या बिना बनाए भी कर सकते हैं जब समझ जाएंगे तो। अब दोनों सीरीज में हैं तो अब से इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं कितना आएगा इसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, सी वन इंटू सी टू मतलब थ्री इंटू फाइव, ठीक है दो ही कैपेसिटर हैं, अपॉन थ्री प्लस फाइव, तो ये हो जाएगा फिफ्टीन बाई एट माइक्रो फैरड। इस फिगर के अकॉर्डिंग सी इक्विवेलेंट की ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह डिफरेंट सिचुएशन होता है जिसमें हमें सी इक्विवेलेंट फाइंड करना रहता है। वैसे हमें जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना रहता है उसमें सी इक्विवेलेंट भी पूछता है, चार्ज भी पूछता है और पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछता है, तीनों पूछा जाता है क्वेश्चन में, खाली ये सी इक्विवेलेंट नहीं पूछा जाता है। तो अभी हम खाली सी इक्विवेलेंट निकालना समझ रहे थे, इन डिफरेंट केसेज व्हाट विल बी द सी इक्विवेलेंट। इसी तरह और भी अलग अलग फिगर का अरेंजमेंट करके हम सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। एक अगला कॉम्बिनेशन यहाँ बना रहे हैं फिफ्थ, मान लिया ए पॉइंट हमारा यहाँ पे है और तीन कैपेसिटर इस तरह से, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया पॉइंट बी, ए और बी दो पॉइंट हो गए और इस तरह से तीन कैपेसिटर जुड़े हैं, ये मान लिया वन माइक्रो फैरड टू माइक्रो फैरड थ्री माइक्रो फैरड। तब यहाँ अगर हम पूछा जाए कि ए और बी एंड पे सेल कनेक्शन किया जाए तो जो चार्ज यहाँ आएगा तीनों में डिवाइड हो गया, इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, तो चूँकि चार्ज डिवाइड होकर जाएगा इसलिए कॉम्बिनेशन किस तरह का होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, मतलब कि तीनों ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगा देंगे सीधे जो हम पढ़े हैं, व्हाट इज द फ
फार्मूला फॉर पायलट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो जो सी की वैलेंट होगा यहाँ पे हमारा तीनों का सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री कर देंगे। अगर फार्मूला लिख देंगे बाहर सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री पैरेलल कॉम्बिनेशन के नाते, तो सी वन कितना है वन मान लिया, सी टू इसको मान लिया टू, प्लस सी थ्री थ्री, तो कितना हो जाएगा सिक्स माइक्रो फैरड। इस तरह से हमें सी इक्विवेलेंट पता चल जाएगा व्हेन ऑल थ्री कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये पूरा हो गया। इसी तरह अदर भी केस हम देख सकते हैं कि सीरीज पैरेलल और भी केस में रहेगा। तो अब हम जब न्यूमेरिकल अदर करेंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि सीरीज कहाँ कहाँ अरेंजमेंट है, पैरेलल कहाँ कहाँ पे अरेंजमेंट है। एक हम और देख लेते हैं, एक पॉइंट ए है, ये कैपेसिटर, इस पे बेस न्यूमेरिकल भी एक सर एग्जाम्पल में, फिर यहाँ से कैपेसिटर ये हो गया, एक कैपेसिटर ये हो गया, एक कैपेसिटर ये हो गया। तो ये भी ये दो पॉइंट हो गए जहाँ हम सेल कनेक्शन करेंगे। तो ये मान लिया वन माइक्रो फैरड, टू माइक्रो फैरड, थ्री माइक्रो फैरड और ये वन माइक्रो फैरड। अब ए बी के बीच हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। ठीक, कोई ना होगा कहाँ सीरीज में है कहाँ पैरेलल में है। तो अगर मान लिया यहाँ से टोटल जो चार्ज क्यों आएगा सेल कनेक्शन पे, तो इधर जो चार्ज आएगा वो तीनों में सेम ही होगा, तो ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे। उसके बाद उसको इसके साथ देख लेंगे क्या कॉम्बिनेशन बना। तो पहले तीनों सीरीज में है, तो सीरीज कितना हो जाएगा, तीन कैपेसिटर हैं, तो मान लिया तीनों का जो सीरीज इक्विवेलेंट है सी एस, तो वन बाई सी एस इक्वल टू वन बाई वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री। ये हमारा सीरीज इक्विवेलेंट निकालने के लिए लिख दिया हमने, क्योंकि सीरीज में है तो वन बाई करके आता है। तब इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ इसका एलसीएम सिक्स हो गया, यहाँ पे हो जाएगा सिक्स प्लस थ्री प्लस टू, तो कितना आ जाएगा वन बाई सी एस इलेवन बाई सिक्स, इलेवन बाई सिक्स माइक्रो फैरड। तो सी एस कितना आएगा ये निकाल लेंगे, ये तो अभी वन बाई सी एस है क्योंकि हमें सी एस चाहिए, तो सी एस विल बी इक्वल टू सिक्स बाई इलेवन माइक्रो फैरड। ये आ गया हमारा रिजल्ट, सीरीज कॉम्बिनेशन का भी आया क्योंकि ये तीनों सीरीज में थे, सीरीज को सॉल्व किए फार्मूले से। तो अब इतना आ गया, तो अब इसके बाद अगर हम फिगर फिर समझना चाहें कैसे होगा, तो ये हमारा पॉइंट ए है, ये कैपेसिटर, ये पॉइंट बी, और दूसरा इस पॉइंट से ऐसे आ गया है कैपेसिटर। अब जो पैरेलल में होगा इस पहले वाले के साथ, और इसकी वैल्यू कितना आया है, ये इतना आया, और इसकी वैल्यू कितना है वन माइक्रो फैरड है। अब ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं सिंपलीफाई करने के बाद, ये सीरीज इक्विवेलेंट इसके साथ किसके में पैरेलल में है, तो देयरफॉर अब सी इक्विवेलेंट इन दोनों का निकालें तो क्या होगा, चूंकि पैरेलल में है तो सी इक्विवेलेंट बराबर सी वन प्लस सी टू, मतलब ये वन प्लस सिक्स बाई इलेवन, तो कितना हो जाएगा सेवनटीन बाई इलेवन माइक्रो फैरड। कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम डिफरेंट केस में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।